यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का इंडिया के बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशंस आईएएस टॉपर्स मंत्र पर। आगे बढ़ने से पहले बताइए स्टूडेंट्स इफ आई एम प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल सो दैट वी मे प्रोसीड अहेड इन टुडेज सेशन। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, कैन वी प्रोसीड अहेड। तो चलिए बढ़ चलते हैं आज के सत्र की तरफ। क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है, आज 10 अप्रैल है स्टूडेंट्स, एंड वी आर गोइंग टू हैव अ लुक ओवर द करंट अफेयर्स पब्लिश्ड अक्रॉस वेरियस न्यूज़पेपर्स ऑफ द कंट्री रेलेवेंट फ्रॉम यूपीएससी प्लस अदर एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। एंड आज से पीआईबी के भी न्यूज अटैच हो रहे हैं करंट अफेयर्स में। सो दिस विल बी अ ऑल एनकंपासिंग सेशन एंड यू कैन कंप्लीटली रिलाई अपॉन द सेशन फॉर करंट अफेयर्स। यस, तो जीएस का सिलेबस निकाल लीजिए, 3-4 कलर के पेन निकालिए एंड ऑप्शनल का भी सिलेबस निकाल लीजिए और करंट अफेयर्स की कॉपी में चलिए। लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। दिस इज डॉक्टर अनुराग, अ पैशनेट यूपीएससी मेंटर एंड एक्सपर्ट इन द फील्ड फॉर द पास्ट 1 decade इन ऑफलाइन मेंटरिंग, पास्ट 4 years इन ऑनलाइन मेंटरिंग अपॉन वेरियस एडटेक प्लेटफॉर्म्स। यूपीएससी में मेरा एक्सपीरियंस 2 बार पर्सनैलिटी टेस्ट देने का है, 4 attempts एंड 4 mains में। आई हैव ऑल्सो वर्क एज असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्सेस इन उत्तर प्रदेश स्टेट सिविल सर्विसेज For 3 years, after which I resigned to pursue my passion of mentoring the UPSC aspirants. Telegram channel IAS Toppers Mantra Pune, जुड़ जाइएगा इस session के free PDF and further updates के लिए। तो मैं बता दूं current affairs के इस session में आज से PIB के news attach हो रहे हैं। Yes, and this will continue. तो PIB का news press information bureau भारत सरकार, इसके news attach होने का मतलब है कि हमें गवर्नमेंट की साइड से जो भी नोटिफिकेशंस या जो भी डिक्लेरेशंस या अनाउंसमेंट्स होंगे वो सब के सब इसमें इंक्लूड किए जाएंगे एंड इट विल हेल्प यू हैव अ ऑल एनकम्पासिंग व्यू ऑफ करंट अफेयर्स। ऑलरेडी वी आर डिस्कसिंग 4 newspapers, पीआईबी इज अटैच्ड नाउ। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ चलते हैं। मैं बता दूं आईएएस टॉपर्स मंत्र ने लॉन्च किए वेरियस ऑफलाइन कम ऑनलाइन कोर्सेज और 2025 के लिए कोर्सेज लॉन्च किए जाएंगे मई में। उसके लिए अप्रैल 3rd week में नोटिफिकेशन आ जाएगा आप सभी लोगों के सामने टेलीग्राम चैनल पर। तो क्या रेडी हैं आप लोग स्टूडेंट्स, बढ़ चला जाए, आइए देखते हैं। लेट्स बिगिन। सो टुडे इन करंट अफेयर्स वी हैव एंड यस एनी डाउट्स रिगार्डिंग एडमिशंस यू कैन कॉन्टैक्ट अपॉन द फॉलोइंग मोबाइल नंबर 9988735 4 9988735 8। मैं बता दूँ इस सेशन को आप जो इस चैनल पर वॉच कर रहे हैं, इस चैनल को ऑल इंडिया रैंक 1 में श्रुति शर्मा ने वॉच किया था यूपीएससी सीएससी 2021 के प्रिपरेशन में एंड लास्ट ईयर ऑल्सो मिस्टर गौरव कयांदे पाटिल ही गॉट इनटू ऑल इंडिया सर्विसेज आईपीएस ऑल इंडिया रैंक 146 ही वाज आवर स्टूडेंट एंड ऑल्सो अजेश गॉट थ्रू विद द आईआरएस ही गॉट सेलेक्टेड एज इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज आईटी ऑफिसर। सो यू आर इन द राइट hands out here in as far as guidance is concerned। चलिए, तो अगर कोई admission related कोई भी doubts हो तो ये आप screenshot ले लीजिए, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। तो क्या बढ़ चला जाए students, UPSC State PCS Prelims Corner। सबसे पहला जो section होता है, क्या ये section important होता है factual component के लिए, tell me students। Yes, it's very very important for the factual component। आइए देखा जाए टॉपिक नंबर 01 और आज बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, बी रेडी फॉर 90-minute सेशन टुडे अप्रॉक्स। द नंबर ऑफ माइग्रेंट्स हु डाइड इन अ शिपरेक ऑफ जिबूटी, ये देखिए 38। हमें जिबूटी के आसपास में जो भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, शिपरेक्स हो रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि लोकेशन इज स्ट्रेटेजिक। ये देखिए जिबूटी ऑन इंडियन ओशन, इज इट लोकेटेड ऑन अ स्ट्रेटेजिक स्टेट ऑफ बाबल मंदेप, टेल मी स्टूडेंट्स। ये देखिए स्ट्रेट ऑफ बाबल मंदेप, ये देखिए स्ट्रेट इज अ नैरो वाटर बॉडी, आपको पता है ये चीज़, ये देखिए नैरो वाटर बॉडी और ये स्ट्रेट ऑफ बाबल मंदेप कनेक्ट्स रेड सी विद गल्फ ऑफ एडन। ये देखिए जिबूटी यहीं पर लोकेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन बस लोकेशन इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन कहते हैं इसे। जिबूटी में ऑलरेडी स्टूडेंट्स 6 countries के मिलिट्री स्टेशन हैं इंक्लूडिंग चाइना। ओके, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री स्टेशन यूएस का है, इस मिलिट्री स्टेशन का नाम है कैंप लेमोनियर, नोट कर लीजिएगा कैंप लेमोनियर
मिलिट्री स्टेशन यूएसए इन जिबूटी, ये देखिए क्लियर। आगे बढ़ा जाए, बस यहाँ से इतना ही ज़रूरी है। सेकंड न्यूज़, पनामा पेपर्स। पनामा पेपर्स मनी लॉन्डरिंग केस का एक क्लासिकल एग्जांपल था। पनामा पेपर्स, पैराडाइज पेपर्स, बहुत बात उठी थी 2016 में इस टॉपिक के ऊपर। देखिए 27 दोज ऑन ट्रायल इंक्लूड द ओनर्स ऑफ मोसैक फोंसेका लॉ फर्म दैट वॉज एट द हार्ट ऑफ द 2016 डॉक्यूमेंट लीक। The Panama Papers illustrate how some of the world's richest people hide their money. A classical example of money laundering, ये देखिए money laundering and means काला धन, काला धन, black money कैसे convert किया जाए white में, और इसके लिए overseas tax havens का इस्तेमाल किया जाता है, overseas tax haven destinations। क्या कोई मुझे बताएगा chat box में students, आप सभी लोगों में से कोई एक इंसान? Yes, yes, good morning Prince, Komal, Chaitanya. Let me know in the chat box some of the tax havens of the world. The most preferred destination amongst tax havens, मुझे बता दीजिए आज की तारीख में, जिसको लेकर जोसेफ बाइडेन चिंतित थे, और उन्होंने OECD ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ही देखिए OECD ग्रुप को ये कहा। ये ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट, 1961 में ये ग्रुप बनाया गया था। इट हैज़ बीन द प्रिकर्सर ऑफ यूरोपियन यूनियन, डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुप है OECD। उसमें ये डिस्कस किया गया दैट ये जो टैक्स हैवेंस हैं इनको बंद किया जाए और कॉरपोरेट मिनिमम ग्लोबल कॉरपोरेट टैक्स लगाया जाए। सुना ये कंसेप्ट आपने? आई एम टॉकिंग अबाउट आयरलैंड। आयरलैंड इज द मोस्ट प्रेफर्ड टैक्स हैवन डेस्टिनेशन फॉर कॉरपोरेट वर्ल्ड कंपनीज के लिए। एग्री कर रहे हैं? मुझे बताइए आप। मेटा, आप दिस व्हाट्सएप, ट्विटर, सबका देखिएगा ऑफिस रजिस्टर्ड कहाँ पर है आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आइए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, डिटेल न्यूज़ की तरफ आगे चलते हैं। आज GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन, साइंस एंड टेक में एक टॉपिक है स्टूडेंट्स, ही देखिए टॉपिक, भारत सरकार का भी एक प्रोग्राम है ई संजीवनी पोर्टल, नाम सुना है क्या आपने? ये देखिए, और ये टॉपिक है ICT इन मेडिकल साइंसेज, ये देखिए। ओके, क्या ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है? यस, इसे कहते हैं टेलीमेडिसिन। हेल्थ सेक्टर कांट इग्नोर ग्रीन गेन्स फ्रॉम टेलीमेडिसिन, स्टडी सेज सो। व्हीकुलर इमिशंस आर अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू लोकल पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, ये देखिए। हेल्थ सेक्टर में ई संजीवनी एप्लीकेशन भारत सरकार ने लॉन्च किया। इट वॉज अ लर्निंग फ्रॉम टेली मेडिकेशन, ये देखिए। टेली मेडिसिन इज द यूसेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन सिस्टम्स फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग मीन्स ट्रीटिंग अ पेशेंट हु इज अनेबल टू कम टू द हॉस्पिटल और हु इज लोकेटेड एट अ रिमोट प्लेस, ये देखिए। द डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज वेयर डिस्टेंस इज अ क्रिटिकल फैक्टर बाई ऑल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स यूजिंग ICT for the exchange of valid information for diagnosis, treatment and prevention of disease and injuries is telemedicine. Telemedicine में ये देखिए students, बहुत फ़ायदा होता है। पता है क्यों? आप गांव में बैठे बैठे आपको इलाज हो जाता है, ये देखिए। Access to specialized healthcare services to underserved rural, semi-urban and remote areas, early diagnosis and treatment, access to expertise of medical specialist, reduced physician fees and cost of medicine, reduced visits to specialty hospitals, reduced travel expenses, early detection of disease, reduced burden of morbidity. देखिए कितने फ़ायदे हैं, देखिए patients के लिए। ये अभी तक हम लोग जानते थे, अभी और भी फायदे आज आएंगे, ये देखिए। तो ये देखिए यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ टेलीमेडिकेशन, ये मैं कंसेप्ट दिखा दे रहा हूँ आपको बेसिक्स, ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। स्टोर एंड फॉरवर्ड, ये देखिए, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है फॉर नॉन एमरजेंसी सिचुएशंस, ही देखिए। यानी आप मेल से भेज दिया, आपने ऐप से भेज दिया, अपलोड कर दिया आपने अपना दिस प्रेस्क्रिप्शन, ये देखिए। टेली रेडियोग्राफी, टेली रेडियोपैथी, टेली डर्मेटोलॉजी, ये देखिए, इसमें ये सब रिपोर्ट्स अपलोड किए जाते हैं। क्या ये होता है कितने जगहों पर ऐप के ऊपर, मुझे बताइए। यस, सेकेंड इज टू वे इंटरैक्टिव टेलीविजन, ये स्पेशली डॉक्टर्स के बीच में होता है, या डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स ऑन व्हाट्सएप कॉल और ऑन आ मोबाइल एप्लीकेशन, ये देखिए। Agreed? Let me know students. Real time consultation. Healthcare देखिए, healthcare in India, 70% of India's, why do we need telemedicine? 70% भारत का
गांव में रहता है, जनसंख्या रहती है, ये देखिए 90% ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर फैसिलिटीज आर इन सिटीज एंड टाउन्स. हेल्थ केयर सर्विसेज लो पेनिट्रेशन इन रूरल बेल्ट्स, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रूरल एरियाज, इन एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज. और इसीलिए देखिए गांव में इन एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, नो हेल्थ केयर. शहरों में 90% सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर फैसिलिटीज, और इसीलिए स्टूडेंट्स गांव के लोगों को शहर जाना पड़ता है. शहर जाने में उनका खर्च लगता है, बस करेंगे खर्च लगेगा, छुट्टी लेनी पड़ेगी अपने काम से. यस, खेती कर रहे हैं छुट्टी लेनी पड़ेगी, उसका लॉस अलग है. एग्री कर रहे हैं मुझे बताइए. और अगर कोई बड़ी बीमारी हो गई तब तो सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा वहां पर. यही है स्टूडेंट्स टेली मेडिसिन का कंसेप्ट. देखिए टेली मेडिसिन, देखिए स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये आप फोर्टिस हीरानंदानी या आप अपोलो इंद्रप्रस्थ हॉस्पिटल्स को यहाँ ले सकते हैं. ये देखिए, और यहाँ पैनल ऑफ डॉक्टर्स देखिए बैठे हुए हैं. ये देखिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कार्डियोलॉजी, पैथोलॉजी, ये देखिए. इतना ही नहीं, टेली मेडिसिन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया स्टूडेंट्स इंडिया अफ्रीका रिलेशंस में. ये देखिए इंडिया अफ्रीका रिलेशंस, यस इंडिया अफ्रीका रिलेशंस में पैन अफ्रीका ई नेटवर्क प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था. क्या पता है आपको इसके बारे में? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. ऑप्टिकल फाइबर केबल्स डाले गए चेन्नई से दकर तक, चेन्नई से दकर तक. चेन्नई आपको पता है, दकर मैं बता दूं सेनेगल का कैपिटल है. ये देखिए, और पूरा अफ्रीका आज एजुकेशन और मेडिसिन में जुड़ा हुआ है हमारे देश के साथ में. ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का ब्रेन चाइल्ड था ये कंसेप्ट. ऑसम लीडर, हैट्स ऑफ टू दिस लेजेंड, लेजेंडरी पर्सनैलिटी. यस, ही शोड टू द पीपल हाउ टू लिव अ लाइफ. तो मुझे बताइए स्टूडेंट्स टेली मेडिसिन, टेली मेडिसिन में क्या स्टेप्स लिए गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ, ये देखिए दिस डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं टेली मेडिसिन के लिए. इसमें ई संजीवनी ऐप सबसे रीसेंट स्टेप है, ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट. अब आप कहिएगा ठीक है सर, ये तो आपने पढ़ा दिया इंडिया में क्या है और हेल्थ केयर क्यों इंडिया को चाहिए टेली मेडिसिन. अब न्यूज़ पे आते हैं. यस लेट्स कम, तो न्यूज़ पे देखिए क्या आया है. LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, मैं बता दूं ये इंस्टीट्यूट अफ्रीका में भी गाइडेंस दे रहा है टेली मेडिसिन के थ्रू. हैदराबाद हैज फाउंड दैट अराउंड 70-80% ऑफ पीपल हु विजिट एन आई हॉस्पिटल कैन बेनिफिट फ्रॉम टेली कंसल्टेशन बिकॉज देयर प्रॉब्लम्स aren't सीरियस. ये उसने पब्लिश किया, सर्वे किया उसने. टेली मेडिसिन हैज emerged एज अ वायबल alternative टू द इन पर्सन कंसल्टेशन विद डॉक्टर्स इन मेनी context. इट सेव्स पेशेंट्स टाइम एंड एक्सपेंसेस एंड इफ दे आर लोकेटेड इन रिमोट एरियाज दे डोंट नीड टू ट्रैवल. ये देखिए बात समझ में आ रही है, मुझे बता दीजिए. यानी व्हाट्सएप कॉल से डॉक्टर आपको गाइडेंस कर रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में. ये टेली कंसल्टेशन है, टेली मेडिसिन है. क्या इसका असर क्लाइमेट चेंज को भी कंट्रोल करने में पड़ेगा? यस, कार्बन फुटप्रिंट. ये देखिए अगर आप नहीं निकलिएगा घर से बाहर, हर चीज के लिए घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं होती. एंड इफ समवन नीड्स अ फिजिकल एक्सरसाइज यू कैन डू इट एट होम, यू डोंट नीड टू कम आउट एंड गो फॉर मींस विजिट्स एंड शॉपिंग टू डू एवरीथिंग बिकॉज इट इंक्रीजेस द कार्बन फुटप्रिंट. तो 70% ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस. यहां पर अगर वो गांव से निकलकर शहर की तरफ आएंगे तो उसका असर पड़ेगा. 88% ऑफ इंडियाज कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कम फ्रॉम रोड ट्रैफिक. ये देखिए, एंड अकॉर्डिंग टू वन एनालिसिस इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर. देखिए भारत में जो स्वास्थ्य, जो भी जो सुविधाएं चल रही हैं इस सेक्टर में, 74 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 2014 रिलीज किया गया. ये देखिए हेल्थ केयर सेक्टर ने रिलीज किया. ये 3% ऑफ इंडियाज टोटल एमिशंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उस साल के. ये देखिए इसका मतलब साफ है स्टूडेंट्स, टेली मेडिसिन एक बहुत बड़ा एक वायबल अल्टरनेटिव, एक नए तकनीक के रूप में उभर रहा है. इट्स अ वेरी वेरी क्रेडिबल अल्टरनेटिव, स्पेशली इन द केसेस ऑफ नॉन सीरियस केसेस, नॉन सीरियस कंसल्टेशन. नॉन सीरियस का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल कंजक्टिवाइटिस हुआ आँख में, अगर सिंपल है, या आँख में हल्की सी कोई दिक्कत हो रही है तो कोई सिंपल है तो आप पहला कंसल्टेशन टेली कंसल्टेशन ले सकते हैं. दैट्स इट. ऐसे ही
as the simplest forms, non-emergency context, you can go for telemedicine. Do you agree? आपका आज ये होमवर्क है स्टूडेंट्स, और क्या इससे आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर ये देखिए क्या ये भी रिड्यूस होगा, मुझे बताइए इकोनॉमिक इम्पैक्ट आपका. होमवर्क है स्टूडेंट्स, टेलीमेडिसिन एडवांटेजेस इन द इंडियन कंटेक्स्ट, एडवांटेजेस इन द इंडियन कंटेक्स्ट, क्या लिखने की कोशिश कीजिएगा मुझे बताइए. यस, 10 marks from 50 words लिखने की कोशिश कीजिएगा. एंड यस, कोविड टाइम्स में टेलीमेडिसिन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, एग्रीड. चला जाए आगे, क्या ये टॉपिक क्लियर है? इसी को टेली एजुकेशन में भी कन्वर्ट कर दीजिए, टेली एजुकेशन भी चल रहा है ना, मुझे बताइए उसके लिमिटेशन से. ये टेली एजुकेशन है, देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ रहे हैं. ओके, इसमें स्किल्स चाहिए, इसमें थोड़ा सा रिटेंशन कम होता है, इसमें दिस जो ऑडियंस है उसको बांधने के लिए कुछ स्किल्स चाहिए. बट यस यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज चैलेंजेस, टेली एजुकेशन इज ऑल्सो इमर्ज एज अ वायबल ऑल्टरनेटिव स्पेशली फॉर टर्शरी सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन. दैट्स इट, आइए आगे बढ़ते हैं. तो टेली मेडिसिन के एप्लीकेशंस और एडवांटेजेस, आपका ये टास्क है. आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में 3 articles आए हैं आज. एक पहला आर्टिकल मदरसा लॉ के ऊपर आया है. मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश मदरसा लॉ, जिसको हाई कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सही है कानून, हम ये देखेंगे. सेकंड, वी आर गोइंग टू सी यस्टरडे अ वर्डिक्ट केम फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज इज अ पार्ट अंडर आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 14. ये एडिटोरियल आया है आज, एडिटर ने लिखा है, वी आर गोइंग टू सी दिस. और साथ में हम कंपेयर करेंगे स्विस क्लाइमेट पॉलिसी के साथ में इसको, ये इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ है, ये देखिए. एंड थर्ड, जेंडर न्यूट्रलिटी क्लाइमेट क्राइसिस पर हम डिस्कशन करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं इसी सबसे सिंपलेस्ट टॉपिक से. द क्लाइमेट क्राइसिस इज नॉट जेंडर न्यूट्रल. क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एग्री कर रहे हैं स्टूडेंट्स? यस, क्लाइमेट चेंज के अलग अलग डाइमेंशंस हैं. कोई कहता है ग्लोबल वार्मिंग, एग्रीड. कोई कहता है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, एग्रीड. कोई कहता है ओजोन डिप्लीशन, एग्रीड. कोई कहता है पॉल्यूशन, ये सब अलग अलग डाइमेंशंस हैं क्लाइमेट चेंज के. कोई कहता है एसिड रेन, ये देखिए. कोई कहता है इंक्रीज्ड इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, ये देखिए. अलग अलग क्लाइमेट चेंज के डायमेंशन, लेकिन सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ता है? कहा जा रहा है शहर से ज्यादा असर गांव पे पड़ता है. ओके, तो इफेक्ट्स ये देखिए, इफेक्ट्स रूरल मोर देन अर्बन, वुमेन मोर देन मेन, ये देखिए, एंड चिल्ड्रन मोर देन अडल्ट्स. क्या बात है, इसे नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, यही यहां लिखा हुआ है इस पूरे आर्टिकल में. देखिए, व्हेनेवर यू रीड एनीथिंग और यू रीड अ पैराग्राफ और अ बुक और अ चैप्टर, यू मस्ट नो द क्रक्स. क्रक्स का मतलब क्या होता है? तीन शब्द या 4 शब्दों में आपने डिफाइन कर दिया. तो आइए देखते हैं, जेंडर न्यूट्रल नहीं है, यानी स्पेसिफिकली इसमें वुमेन के ऊपर, रूरल वुमेन के ऊपर फोकस किया गया. ये देखिए, आइए देखते हैं. वुमेन एंड गर्ल्स एक्सपीरियंस डिसप्रोपोर्शनेट हाई हेल्थ रिस्क, स्पेशली इन सिचुएशंस ऑफ पॉवर्टी ड्यू टू एग्जिस्टिंग रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कल्चरल नॉर्म्स. As per UNDP, women and children are 14 times more likely than men to die in a disaster. In short, climate change doesn't impact everyone equally. और ऐसा क्यों है students? क्योंकि ये देखिए, क्यों गांव, क्यों महिलाएं और क्यों बच्चे, ये देखिए. Let's see, crux पूरे article का यहाँ मैंने लिख दिया, ये देखिए. Climate change impacts women and children disproportionately, especially in rural regions. Agriculture is more impacted. और इसी वजह से एग्रीकल्चर पर जो लोग डिपेंडेंट हैं उन पर ज़्यादा असर. फूड इनसिक्योरिटी कम्स अप, और फूड इनसिक्योरिटी में वुमेन के फूड के ऊपर सबसे पहले मार पड़ती है. एंड डोमेस्टिक वायलेंस, ही देखिए, दिस इज ऑल्सो इंटीग्रल पार्ट. इंटीमेट पार्टनर वायलेंस या डोमेस्टिक वायलेंस, अगर कुछ क्लाइमेट चेंज के कारण कुछ भी ऑक्यूपेशन में या बाकी जगहों पर खराबी होती है, उसका असर महिलाओं पर ही पड़ता है डोमेस्टिक वायलेंस के रूप में. And food insecurity for pregnant women too, क्योंकि they need increased nutrition which is not given to them. और इसी कारण से अगली पीढ़ी पे भी असर पड़ता है. Do you agree? Tell me students. इसके अलावा water scarcity, पानी कौन लेने जाता है
मुझे बताइए, गांव में टैप वाटर और बाकी जगहों से कॉमन प्लेसेस से पानी देने के लिए वेल्स से महिलाएं, फायरवुड कौन लेने जाता है स्टूडेंट्स, मुझे ये बताइए, महिलाएं, क्या असर पड़ेगा? यस, एंड दिस इज द रीजन व्हाई व्हेन वी टॉक अबाउट जेंडर डिस्पैरिटी इट स्टिल एग्जिस्ट इन द रूरल एरियाज. यस, एंड इन द प्रीवियस जनरेशन इट एग्जिस्टेड मच मोर स्टूडेंट्स, मच मोर. मीन्स द इम्पैक्ट ऑफ ऑन द वुमेन, कलेक्टिंग ऑफ फायरवुड, कलेक्टिंग ऑफ वाटर. एंड इसमें पता है, इसमें कल्चरल नॉर्म्स, जो हम जिस नॉर्म्स के ऊपर वी फील प्राउड दैट यस देर शुड बी इन इक्वालिटी अमंग्स द मेल्स एंड द फीमेल्स एंड दैट द मेल्स आर ऑलवेज करेक्ट. ये प्रीवियस जनरेशन का एक एस्पेक्ट था जिसको उठाकर, जिसको मीन्स अगर समझ लीजिए कि जिसके कारण जो एक होता ना, एक शॉर्टकमिंग होती है समाज में, ये सोसाइटी का एक बहुत बड़ा शॉर्टकमिंग था और इसीलिए इसको हटाना ज़रूरी था. और ये ग्रेजुअली धीरे धीरे अगर हटेगा तो अच्छा रहेगा, अभी भी हटा नहीं है स्टूडेंट्स, दिक्कत ये है. अलग अलग जगहों पर केस स्टडीज यही दर्शा रहे हैं कि अभी भी इम्पैक्ट महिलाओं पर ज़्यादा पड़ता है एज कम्पेयर टू मेल्स, क्योंकि दे आर इन्वॉल्व इन द डोमेस्टिक वर्क विच इज गोइंग टू बी इम्पैक्टेड मच मोर. डू यू एग्री, टेल मी. देखिए, खाना बन रहा है, खाने में कमी हो गई, महिलाओं के पेट में कम जाएगा. पानी की कमी हो गई, महिलाओं को जाना पड़ेगा 5 किलोमीटर दूर. खाना बनाने के लिए फायरवुड चाहिए, काउडंग केक्स चाहिए, नहीं मिल रहा है, बाहर जाना पड़ेगा. डू यू एग्री, टेल मी स्टूडेंट्स. और इसका असर कहाँ पड़ता है? बच्चों पर पड़ता है, अगली पीढ़ी पर पड़ता है. यस, एंड दिस इज द रीजन देयर कम्स अप अ विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी. डू यू एग्री? ये देखिए, वुमेन इन्वॉल्व इन हाउस होल्ड कोर्स, ये देखिए, हाउस होल्ड कोर्स थ्रू आउट द डे, ये देखिए, थ्रू आउट द डे मीन्स खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना, घर में इन्वॉल्व रहना, उसका असर नो फोकस अपॉन द नेक्स्ट जनरेशन, द चिल्ड्रन. एंड द चिल्ड्रन अगेन, ये देखिए, दे आर हैविंग लैक ऑफ जॉब्स, दे आर हैविंग लैक ऑफ स्टडीज एंड इट इम्पैक्ट्स द नेक्स्ट जनरेशन. ये देखिए, एग्रीड ना? मुझे बताइए स्टूडेंट्स, क्या शहरों में ये बदल रहा है? शहरों में बदल रहा है, लेकिन गांव में स्टिल, एंड यही चिंता की बात है स्टूडेंट्स. ऐसा नहीं है कि आई एम टॉकिंग अबाउट अ कंप्लीट मींस कि यही हर जगह नॉर्म है, नहीं, लेकिन स्टिल द रूरल पुअर, दोज हु आर नॉट वेल ऑफ, दे आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम्स. ये पहला टॉपिक हो गया. एक सवाल यहाँ आप लोगों के लिए बनता है, मैंने ये सवाल पुटअप किया, हाउ डज क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट द वुमेन डिसप्रोपोर्शनेटली, 10 marks on 50 words, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ये गवर्नेंस के टॉपिक में सवाल आ जाएगा, आपको लिखना है, वुमेन आर वल्नरेबल टूवर्ड्स क्लाइमेट चेंज मच मोर, दैट्स इट. आइए सेकेंड टॉपिक पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो छपा है. सेकेंड टॉपिक मदरसा एजुकेशन को लेकर है. आइए देखा जाए पहले हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है, आइए देखते हैं स्टूडेंट्स. आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर मैनी फंडामेंटल राइट्स, ऑफ विच देयर आर आर्टिकल 26 एंड आर्टिकल 29 एंड 30. ये देखिए, आर्टिकल 26, आइए मैंने अटैच किया, देखा जाए, एवरी रिलीजियस सेक्शन हैज राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस पर्पस. ये देखिए, मैनेज इट्स ओन रिलीजियस अफेयर्स, अक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी एज पर लॉ. ये देखिए, आर्टिकल 26, ये कलेक्टिव राइट है एक कम्युनिटी का अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस चलाने का और एस्टैब्लिश करने का. आर्टिकल 29 एंड 30 में दिया हुआ है साथ में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मदरसा इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, एंड उसी पर अभी डिस्कशन चलने वाला है. आइए देखते हैं स्टूडेंट्स क्या रिसेंटली हुआ. सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया, सुप्रीम कोर्ट के पहले ये हाई कोर्ट में केस गया था. ये देखिए, हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट. हाई कोर्ट में केस गया था और हाई कोर्ट में केस क्यों गया था? क्योंकि यूपी गवर्नमेंट का एक कानून है, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004. ये देखिए, क्या ये कानून सही है? ये रेगुलेट करने का कानून है, रेगुलेटिंग द मदरसा एजुकेशन सिस्टम. इसी के खिलाफ में गया था हाई कोर्ट में केस और हाई कोर्ट ने रोक लगा दी. इट डिक्लेयर्ड दिस एक्ट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ में आया वर्डिक्ट. और इसके बाद ये
सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है हाई कोर्ट गलत है, ये एक रेगुलेशन है और ये कानून, हम अभी देखेंगे क्या सही है क्या गलत है, फिलहाल हाई कोर्ट गलत है, रोक नहीं लगेगा कानून पर। वो यूपी गवर्नमेंट से पूछता भी है सुप्रीम कोर्ट दैट आपने क्यों नहीं अपनी बात सही से रखी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में सिंगल जज बेंच में ये वर्डिक्ट आया था। यूपी गवर्नमेंट सेज दैट वी हैव लर्न टू अबाइड बाय द कोर्ट ऑर्डर्स, दैट वाज स्ट्रेंज आंसर फ्रॉम यूपी गवर्नमेंट। लेट्स सी, द लेजिस्लेशन अलाउड द स्टेट गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश द उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन टू रेगुलेट मदरसाज, सेम जैसे आपके लिए एक स्टेट बोर्ड होता है एजुकेशन के लिए, वैसे इन द स्टेट एंड इम्पार्ट एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी टू पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च लेवल। से देखिए सेम एजुकेशन को लेकर बेंच कंप्राइजिंग CJI DY चंद्रचूड़ एंड जस्टिस JB पारदीवाला एंड मनोज मिश्रा पास द स्टे ऑर्डर। ये देखिए स्टे लगाया गया, रिट एंड रिट जारी किया गया। आप मुझे बताइए क्या स्टे ऑर्डर एक रिट होता है? आज जाकर आर्टिकल 32 में देखिएगा आप लोग, आर्टिकल 32 रिट्स, कौन से रिट्स हाईकोर्ट के लिए होते हैं देखिएगा, वंस द हाईकोर्ट हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। तो ये देखिए, देर आर 16,000 रिकग्नाइज मदरसाज ऑफ विच 560 आर एडेड बाई द गवर्नमेंट एंड ओवर 8,400 अनरिकग्नाइज मदरसाज इन उत्तर प्रदेश। ये देखिए एंड अ सिंगल जज बेंच, देखिए यहाँ पर 2.7 मिलियन स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं, 10,000 टीचर हैं, 25,000 मदरसा हैं स्टेट में। ये देखिए अ सिंगल जज ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट वाइल हियरिंग अ पिटिशन फाइल्ड बाई मोहम्मद जावेद एक्सप्रेस डाउट रिगार्डिंग द एक्ट्स वैलिडिटी, उसने एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। क्यों डिक्लेयर किया अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आइए देखते हैं। ये देखिए तो देखिए यहाँ पर लॉयर अंशुमन सिंह राठौर फाइल्ड अ PIL पिटिशन इन द हाई कोर्ट चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ द एक्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट वायलेटेड सेक्युलरिज्म एज वेल एज आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 21A, क्योंकि आप रेगुलेट कर रहे हैं और रेगुलेट कर रहे हैं तो अंशुमन सिंह राठौर ने जो पुटअप किया था पिटिशन वो आर्टिकल 26 के तहत पुटअप किया था। ये देखिए दैट यू आर नॉट, ये देखिए आर्टिकल 26 एंड आर्टिकल 29 दैट सच अ टाइप ऑफ रेगुलेशन इन्फ्रिंजेस अपॉन द कम्युनिटीज राइट्स टू एस्टैब्लिश देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। साथ में आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ इज गेटिंग इंपैक्टेड, आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन। इन सारे बेसिस पर हाई कोर्ट अंशुमन सिंह राठौड़ की बात मानकर और उनकी दलील सुनकर उनका एविडेंसेस सुनकर और हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगाया था। ये देखिए सवाल यही है दैट अब सर ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट किस बेसिस पर स्टे ऑर्डर लगाया गया, सेक्युलरिज्म, बिकॉज सेक्युलरिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डू यू एग्री, मुझे चैट बॉक्स में फटाफट बताइए आप सभी लोग स्टूडेंट्स, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो सवाल यही है, व्हाई डिड द हाई कोर्ट स्ट्राइक डाउन द लॉ आफ्टर पेरूजिंग द सब्जेक्ट स्टार्ट इन द मदरसा, द बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस सुभाष विद्यार्थी एंड विवेक चौधरी ऑब्जर्व दैट द एजुकेशन इम्पार्टेड इन सच इंस्टीट्यूशन इज नीदर क्वालिटी नॉर यूनिवर्सल इन नेचर। और इसीलिए स्टेट हैज़ नो पावर टू क्रिएट अ बोर्ड फॉर रिलीजियस एजुकेशन और टू एस्टैब्लिश अ बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन ओनली फॉर अ पर्टिकुलर रिलीजन। ये देखिए इन्होंने कहा कि इसमें केवल रिलीजियस एजुकेशन पढ़ाया जाता है तो स्टेट बोर्ड नहीं बनाएगा, स्टेट क्यों रेगुलेट करेगा उस रिलीजन को, सवाल यही आया। ये किसने कहा, हाई कोर्ट के जजेस ने। आप बताइए स्टूडेंट्स, क्या आप हाई कोर्ट के फेवर में हैं इस वर्डिक्ट के या खिलाफ में, टेल मी। सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात गई, ये देखिए तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा है कि केवल रिलीजियस एजुकेशन मदरसा में नहीं दिया जाता है, देर आर सम अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। ये देखिए द कोर्ट फर्दर नोटेड द डेफिनेशन ऑफ मदरसा एजुकेशन अंडर सेक्शन 2H ऑफ द एक्ट इंक्लूड्स इस्लामिक स्टडीज, इट ऑल्सो पेरूज द सिलेबी दैट द स्टूडेंट्स वर बींग टॉट एंड फाउंड दैट इट वॉज कंपल्सरी टू स्टडी इस्लाम एज अ रिलीजन इन एवरी क्लास, येट मॉडर्न सब्जेक्ट्स हिंदी इंग्लिश मैथ्स एंड साइंस एंड सोशल साइंसेज, दिस ये हाईकोर्ट की बात है, आर ऑप्शनल एंड स्टूडेंट्स हैव द चॉइस टू स्टडी जस्ट वन ऑप्शनल सब्जेक्ट। इसीलिए स्टूडेंट्स हाई कोर्ट ने हटाया इसे, हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगाया।
लेकिन टॉप कोर्ट ने पता है क्या कहा है? टॉप कोर्ट ने कहा है कि इस्लामिक स्टडीज़ के अलावा क्या दूसरे विषय पढ़ाए जा रहे हैं? अगर एक भी विषय पढ़ाया जा रहा है तो उसको रेगुलेट करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास है। आप बताइए, टेल मी। सो सुप्रीम कोर्ट सेड दैट वी कैनॉट प्ले विद द फ्यूचर ऑफ 17 लाख स्टूडेंट्स आउट हियर, ये देखिए, स्टडिंग इन द मदरसास, एंड द हाई कोर्ट्स ऑर्डर इज नॉट एज पर वॉट वॉज एक्सपेक्टेड। एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो टोल्ड कंटेंडिंग दैट द एक्ट इज ओनली रेगुलेटरी नेचर, ये देखिए, एंड द स्टेट गवर्नमेंट अंडर एंट्री 25 ऑफ कंकरेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल इज कंपीटेंट टू इनैक्ट सच अ लेजिस्लेशन, ये देखिए। तो फिलहाल ये एक्ट वापसी कर गया है और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को कैंसिल कर दिया है। क्या ये क्लियर हो गया, मुझे बताइए, क्या बताइए स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया ये टॉपिक? मदरसा एजुकेशन आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21A, दैट्स इट, ये देखिए। एंड ये देखिए, दिस सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से क्या पुटअप किया, आइए देखा जाए एक बार शॉर्ट में, लास्ट में ये देखते हैं। समझ में आ रही है चीजें, मुझे बताइए स्टूडेंट्स आप लोग, व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट से? स्टेइंग द हाई कोर्ट ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इश्यूज रेज्ड इन द पिटीशन मेरिट अ क्लोजर रिफ्लेक्शन, और वो जुलाई में इस केस की हियरिंग करेगा, हम जुलाई में फिर से देखेंगे इस आर्टिकल को। इट ऑब्जर्व दैट एट द आउटसेट दैट हाई कोर्ट प्राइमा फेसी मिसकंस्टिट्यूट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट सिंस इट डज नॉट फैसिलिटेट द इम्पार्टिंग ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। तो एक्ट को थोड़ा मिस इंटरप्रिट कर दिया हाई कोर्ट ने। एंड द कोर्ट ऑल्सो रेफर टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अंडर आर्टिकल 28(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज एलुसिडेटेड इन एम एस अरुणा रॉय विच स्टिपुलेट्स दैट एनी इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 28(1) विच निगेट्स द फंडामेंटल राइट ऑफ अ चाइल्ड और अ पर्सन टू गेट एजुकेशन ऑफ डिफरेंट रिलीजन ऑफ द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री एंड ऑफ हिज ओन रिलीजन वुड बी डिस्ट्रक्टिव ऑफ हिज फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 28 में एनी काइंड ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड्स इज नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन जब स्टेट फंड्स नहीं दे रहा है, मदरसा में स्टेट फंड नहीं दे रहा है, तो वहां पर रेगुलेट क्यों कर रहा है, सवाल यही उठा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट हियरिंग करेगा जुलाई में। यानी आर्टिकल 28 के ऊपर जो मुद्दा उठा है स्टूडेंट्स, वो अभी हियरिंग में है। दैट्स इट। प्रिंस, आपने बहुत बढ़िया बात कही है यहां पर। दिस इज कॉल्ड द ब्यूटी ऑफ सेक्युलरिज्म। क्यों? द फैक्ट इज दैट व्हाई शुड वी लीव एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन? सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेट होने जरूरी हैं कंट्री में, हैं कि नहीं मुझे बताइए। एंड दैट टू एट द सेम लेवल्स। जब बाकी जगहों के लिए बोर्ड्स बने तो यहां पर क्यों नहीं? इस्लामिक स्टडीज पर फोकस है, स्टेट फंड्स नहीं दे रहा है यहां पर, लेकिन आपको नहीं लगता है कि यहां पर बच्चों की पढ़ाई की बात है? आर्टिकल 28 एंड द मदरसास, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का आएगा वर्डिक्ट इन जुलाई 2nd वीक। तब तक ये एक्ट जारी रहेगा और हमारे हिसाब से और सुप्रीम कोर्ट के भी हिसाब से दिस डजंट इंपैक्ट द सेक्युलर क्रेडेंशियल्स ऑफ द कंट्री। दैट्स इट। क्लियर है, मुझे बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये हो गया मदरसा के ऊपर और आर्टिकल 28, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29 आपको देखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, क्लाइमेट चेंज एंड स्पीसीज प्रोटेक्शन। कल आया है कुछ वर्डिक्ट आर्टिकल 21 के तहत। मैं अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग चलते हैं स्ट्रासबर्ग। यस हिमांशु, यू विल बी गेटिंग इट। एक्चुअली वी आर प्रिपेयरिंग अ फॉर्मेट ऑफ इट। फॉर्मेट प्रिपेरेशन चल रहा था थोड़ा सा। आपने देखा होगा कुछ नोट्स हैंड रिटन पुटअप हो रहे हैं संसद टीवी के, और थोड़ा फॉर्मेट प्रिपरेशन चल रहा है किस फॉर्मेट में दिया जाए आप लोगों को। ओके, सो हैंड रिटन नोट्स विल नॉट बी प्रोवाइडेड ऑन अ डेली बेसिस, वीकली सिनॉप्सिस आपको प्रोवाइड किया जाएगा टू स्टार्ट ऑफ विद। मैं बता दूं आपको, वीकली सिनॉप्सिस ऑफ द 7 डेज कंप्लीट।
तो फॉर्मेट तैयार ऑलमोस्ट हो जाएगा. 2 to 3 days में यू विल बी गेटिंग द फर्स्ट 7 days हैंड रिटन नोट्स ऑफ करंट अफेयर्स. आइए आगे बढ़ते हैं. देखिए चलते हैं स्ट्रासबर्ग. स्ट्रासबर्ग फ्रांस में एक जगह है जहां पर यूरोपियन यूनियन का ह्यूमन राइट्स कोर्ट है. ये देखिए ये ह्यूमन राइट्स कोर्ट बहुत ज्यादा ही बिजी चल रहा है अभी. ये देखिए पता है क्यों? जिसके पास खाली टाइम है वो चला जा रहा है कोर्ट केस करने के लिए. यहां पर यूरोप में, इंडिया में नहीं, इंडिया में खाली टाइम होता है तो आप डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं पॉलिटिक्स पर विदाउट एनी रिजल्ट्स. इन यूरोप व्हेन यू हैव, आपके पास स्पेयर टाइम है अच्छा खासा, आप यूथ हैं, आप सीनियर सिटीजन हैं, आप बच्चे हैं, आपको आपको समझ में आ रहा है कि क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट करेगा हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को, और आप रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, आप जाइएगा कोर्ट में. स्ट्रासबर्ग में कुछ लोग गए, ये महिलाएं थी, इनका ग्रुप था 2000 एल्डरली स्विस वुमेन. ये देखिए सीनियर सिटीजन, दे वेंट यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, और वहां पर स्विट्जरलैंड के ऊपर केस किया गया. स्विट्जरलैंड सबसे डेवलप्ड कंट्रीज में से एक कंट्री, अभी EFTA में वो भी है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन में. क्या इंडिया EFTA एग्रीमेंट साइन किया गया? मुझे बताइए स्टूडेंट्स, इंडिया EFTA एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एरिया. तो स्विट्जरलैंड पे केस हुआ और स्विट्जरलैंड केस हार गया. EU कोर्ट ने कहा कि स्विट्जरलैंड हैज फेल्ड टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज. इंडिया में आप जाकर केस करते हैं तो आपको मालूम चलता है ओके कि द गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज. तो कोर्ट कहता नहीं, अभी आराम से रुको, अभी रुकने का है, अभी थोड़ा पॉलिटिक्स पे बातचीत कर लो तब आगे बढ़ेंगे हम लोग. नहीं तो ये देखिए स्विस क्लाइमेट पॉलिसी मीन्स स्विट्जरलैंड ने कुछ नहीं किया उसके लिए उस पर पेनाल्टी लग गया. वो नेगेटिव भी नहीं कर रहा है, पॉजिटिव भी नहीं कर रहा है, इट्स न्यूट्रल, तो उस पर पेनाल्टी लग गया. इंडिया में नेगेटिव्स बहुत हो रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, डिफॉरेस्टेशन चल रहा है, आग लग रही है, हालत खराब है, लद्दाख में मेल्टिंग हो रही है लेकिन वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है, फिर भी ठीक है सब. स्ट्रासबर्ग फ्रांस से वापस आते हैं अपने यहां सुप्रीम कोर्ट में. देखते हैं स्टूडेंट्स, आज से 3 साल पहले याद कीजिए, एक पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, नाम सुना है आप लोगों ने, मुझे बताइए, वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड. कहां पाया जाता है? ग्रासलैंड्स में. UPSC ने सवाल पूछा 2021 में, यस, डेजर्ट नेशनल पार्क के ऊपर, गॉट इट क्लियर. और वहां पर वो रहता है, आराम से जी रहा था अकेले, जैसे UPSC एस्पिरेंट जीते हैं, मींस अपने आप में जी रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी. अचानक से वहां पर उसने देखा कि ये क्या चल रहा है, ये एक नया कुछ तार लगना शुरू हुआ, वायर्स, यस, इलेक्ट्रिक वायर्स. कहा गया यहाँ सोलार पैनल लगेगा. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स वर लाइक, यार यहाँ सोलार पैनल लगेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कोई बात नहीं सह लेंगे थोड़ा. सोलार पैनल लग गया, इलेक्ट्रिक वायर्स लग गए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो हैबिटेट था वहाँ पर पूरे तार से भर गया, तार से पूरा भर गया, वायर से पूरा भर गया वो रीजन, डेजर्ट नेशनल पार्क. और उसके बाद ये न्यूज़ आया दैट इनकी संख्या कम होती जा रही है क्योंकि इलेक्ट्रोक्यूशन, दे आर डाइंग बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन. इलेक्ट्रोक्यूशन, यस, ये बिजली के तार में फंस जा रहे हैं. क्यों फंस रहे हैं? क्योंकि इनका फ्रंटल विजन नहीं होता है, इनकी आंखें साइडवेज देखती हैं. मैक्सिमम ऑफ द बर्ड्स हैव नो फ्रंटल विजन. ये देखिए, एग्री कर रहे हैं, मुझे बताइए स्टूडेंट्स, ये देखिए. उसके बाद केस हुआ, कुछ लोग मींस जो NGOs हैं और कुछ अच्छे लोग जाकर केस करते हैं पर्यावरण को लेकर. बाकी लोगों के पास पर्यावरण के लिए टाइम नहीं है, पॉलिटिक्स के लिए टाइम है. सो आई थिंक दैट एनवायरमेंट शुड बी द बेसिक फोकस फीचर फॉर एवरी इंडियन सिटीजन नाउ एट प्रेजेंट. तो जाकर केस हुआ GIB के हैबिटेट को लेकर. सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये इलेक्ट्रिक वायर्स हटाओ यहाँ से और अंडरग्राउंड डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप शहरों में कर ही रहे हो ना, यहाँ भी कर दो. प्राइवेट कंपनीज ने कहा अब कैसे हटाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा हटाना पड़ेगा. सरकार ने कहा नहीं नहीं छोड़ दीजिए, क्या कर रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैंने आपसे पूछा, डिड आई आस्क यू? मैं ये प्राइवेट कंपनीज को कह रहा हूँ. गवर्नमेंट वॉज लाइक मैंने ही तो टेंडर दिया था, तो कैसे फिर, मीन्स ये तो अजीब बात हो गई. और बात वहीं पर सुप्रीम कोर्ट में चलती रही.
उसी बात पर ये वर्डिक्ट आया परसों, दैट स्पीसीज प्रोटेक्शन। देखिए सरकार ने कहा कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को आप प्रोटेक्ट करने के लिए इतने चिंतित हैं, सुप्रीम कोर्ट को कहा गया, अपनी तरफ से पुटअप किया गवर्नमेंट ने ये पॉइंट, लेकिन आपको क्लाइमेट चेंज की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हम सोलार एनर्जी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज ना हो, और सोलार एनर्जी लगाने के लिए हमें वायर लगाना पड़ेगा, एंड इट इज़ कमिंग इन कन्फ्लिक्ट विद GIB। तो आपको ये पता ही नहीं है स्टूडेंट्स, दिस आपको ये पता ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को कहा गया ये सरकार की तरफ से, दैट एनर्जी सही है या GIB। फिलहाल वो बर्ड सोच रहा होगा अकेले बैठकर, मैंने क्या किया इसमें, नहीं मुझे बताइए स्टूडेंट्स, इज इट बफरिंग, टेल मी, यस प्रिंस लेट मी नो, इज द, क्या ये बफर कर रहा है क्या? तो GIB वर्सेस सोलार एनर्जी, आप किसे प्रेफर करते हैं स्टूडेंट्स, बता दिए, ये इंटरव्यू क्वेश्चन इस बार पूछा गया है, पर्सनैलिटी टेस्ट क्वेश्चन, स्पीसीज प्रोटेक्शन वर्सेस ग्रीन, दिस ग्रीन एनर्जी, लेट मी नो। ये इस टॉपिक से नहीं पूछा गया, लेकिन पूछा गया विंड टर्बाइंस को लेकर, विंड टर्बाइंस लगाए जाते हैं तो उसमें पक्षी कटकर मर जाते हैं, ओके, तो कहा जाता है कि क्या जरूरी है भाई स्पीसीज या विंड टर्बाइंस, लेट मी नो। आपको नहीं लगता स्टूडेंट्स कि यहां पर देयर शुड बी अस लुकिंग इनटू प्रायोरिटीज, दोनों चीजें जरूरी है, ऐसा तो नहीं है कि मुझे जिंदा रहना दूसरा को मरना पड़ेगा, मुझे जिंदा रखने के लिए दूसरे को मरना पड़ेगा, ये तो दिक्कत की बात है, क्लियर। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफेक्ट्स जो हो रहे हैं वो अब डिस्टिंक्ट फंडामेंटल राइट बन गया है, और दिस द राइट टू बी फ्री ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लिव इन अ क्लीन एनवायरमेंट को होल्ड किया था अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये अगला स्टेप है, राइट टू बी फ्री ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। डू यू एग्री दैट इट शुड बी डन, टेल मी स्टूडेंट्स, यस, फ्री ऑफ रिगार्डिंग वॉट, सबको, सब सबके लिए ये प्रोटेक्शन रहना चाहिए, अभी एनिमल्स के लिए प्रोटेक्शन नहीं आया, उनके लिए भी आएगा। एंड कोर्ट ने कहा दैट राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम क्लाइमेट चेंज एंड राइट टू अ होलसम एनवायरमेंट, ये देखिए क्या बात है, होलसम में GIB आता है। कल को मैं निकला घर के बाहर, मैंने कहा क्या जमाना है, क्या दिस बाहर में कितना अच्छा कंस्ट्रक्शन हुआ है ग्रीन एनर्जी का, सोलार पैनल लगे हुए घरों के ऊपर, विंड टर्बाइन लगे हुए, लेकिन एक भी जानवर नहीं दिख रहा है, जानवर एक ही रह गया है इंसान इस पूरे धरती पर, तो क्या ये चिंता की बात होगी, मुझे बताइए, हाउ कैन यू रिमूव द इकोसिस्टम, टेल मी, ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ दैट वी आर मेकिंग ग्रीन एनर्जी, यानी अगर हम अच्छा काम करेंगे तो किसी को मार देंगे, दैट्स इट, ये तो दिक्कत की बात है। और यही वजह है स्टूडेंट्स की सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट बहुत लैंडमार्क वर्डिक्ट है, राइट टू होलसम एनवायरनमेंट, इसी को इकोसिस्टम का नाम दिया गया है आपके इकोलॉजी एनवायरनमेंट के बुक्स में, सुना है आपने, मुझे बताइए, टेल मी। तो अल्टीमेटली ये देखिए, मल्टीपल डेथ ऑफ GIB, देखिए ड्यू टू सोलार पावर ट्रांसमिशन लाइन्स, इसी में आया ये वर्डिक्ट, आप बताइए क्या दोनों फोकस में रहना चाहिए, यस, ये देखिए, सो दिस इज इट, होलसम एनवायरमेंट वर्ड कम्स अप एंड यू हैव टू राइट इट डाउन। स्विट्जरलैंड में नहीं कुछ अच्छा करने के कारण लग गया केस, ये देखिए पेनाल्टी। इंडिया में तार लगाकर GIB मर रहे हैं, फिर भी इट्स लाइक ओके, क्या दिक्कत है, सोलार पैनल तो लगा रहे हैं ना, तो उसे तो मरना पड़ेगा, आप बताइए स्टूडेंट्स। यहीं से एक आपके सामने कॉम्पैरेटिव व्यू आ रहा है अबाउट द लिटिगेशंस एंड द पिटिशंस गोइंग इन द कोर्ट्स, हाईएस्ट कोर्ट्स रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज, दैट्स इट, दिस क्लियरली शोज इंडिया हैज मच टू मूव अहेड इन द फील्ड टू काउंटर क्लाइमेट चेंज, दैट्स इट, वी कैनॉट ओनली से सोलार एनर्जी, इट्स द सेम वे एज कोई आपसे कहता है कि पढ़ाई कर रहे हो तो आप कहते हैं कॉपी खरीद लिए हैं, पेन भी लाए हैं, फिर नेक्स्ट डे कोई बोलता है पढ़ाई कर रहे हो तो आप बोलते हैं स्केच पेन लेते आए हैं, फिर कोई बोलता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो आप बोलते हैं ये लेते आए हैं ग्लो लाइटर, फिर कोई बोलता है पढ़ाई कर रहे हो ये यूट्यूब पे सेशन देख रहे हैं,
पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं, ये नहीं आप आंसर करते हैं। क्लियर है? दिस इज इट। आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इस टॉपिक से। आपने आज तीन टॉपिक पढ़ा है पॉलिटी एंड गवर्नेंस में। जीएस पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशन इंस्टीट्यूशंस का न्यूज है पहला न्यूज। दो न्यूज आए हैं, ट्रेड टॉक्स विद मर्कोसुर ऑन द बैक बर्नर नाउ एंड ग्लोबल बायोफ्यूअल अलायंस। ये दो टॉपिक्स आईआर से आए हैं। आइए देखा जाए स्टूडेंट्स, ट्रेड टॉक्स विद मर्कोसुर पुट ऑन द बैक बर्नर। व्हाट इज मर्कोसुर? ऑफिशियली सदर्न कॉमन मार्केट, लैटिन अमेरिका का मार्केट है स्टूडेंट्स। साउथ अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक एंड कस्टम्स यूनियन है। कस्टम्स यूनियन का मतलब पता है आप लोगों को, और ये यूएस के खिलाफ में बनाया गया था। इनफैक्ट पॉलिटिक्स की बात बिना इकोनॉमिक्स के नहीं हो सकती। जब पॉलिटिकली आप वीकन अप होते हैं और आपको किसी कंट्री को आउस्ट करना होता है अपने कंटिनेंट से, तो आप इकोनॉमिकली एक साथ आते हैं अर्थव्यवस्था में। यस, और यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज के फ्री मूवमेंट के लिए सदर्न कॉमन मार्केट बनाया गया, इसका नाम है मर्कोसुर। इट्स अ कस्टम्स यूनियन ऑल्सो स्टूडेंट्स। कस्टम यूनियन का मतलब क्या होता है? हैविंग अ कॉमन टैरिफ पॉलिसी। टैरिफ मीन्स टैक्सेस पॉलिसी फॉर द आउटसाइड कंट्रीज। ये देखिए, मर्कोसुर वॉज एस्टैब्लिश इन 1991 ट्रीटी ऑफ असंशन, हेडक्वार्टर्स मॉन्टीवीडियो यूरुग्वे। मेंबर्स देख लीजिए, देखिए हम मेंबर्स एंड ऑब्जर्वर कंट्रीज आर न्यूजीलैंड एंड मैक्सिको। ये देखिए मर्कोसुर, क्लियर है मुझे बताइए। ये देखिए मर्कोसुर मैप पर, ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये देखिए मर्कोसुर। इसमें से मैक्सिमम कंट्री से इंडिया दोस्ती कर बैठा है। ब्राज़ील से तो बहुत दिन से दोस्ती थी, अर्जेंटीना से दोस्ती हो रही है अभी, अरे लिथिया में ना यहाँ पर, ये देखिए क्लियर मर्कोसुर। लेकिन अभी बातचीत आगे नहीं बढ़ी। इट क्लियरली शोज इंडिया इज क्वाइट सीरियस। मैं बता दूँ आपको, इंडिया अभी सीरियसली परस्यू करने की कोशिश में है ट्रेड टॉक्स। अभी इलेक्शन आ रहे हैं, उसके बाद फिर से परस्यू होगा। सेकंड टॉपिक, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस टू प्रिपेयर चार्टर फॉर स्विच। व्हाट इज ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस? G20 समिट में ये लॉन्च किया गया लास्ट ईयर इंडिया में, जब G20 समिट हुआ। एग्री कर रहे हैं? G20 समिट में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इज अ मल्टी स्टेक होल्डर अलायंस ऑफ गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्रीज, एंड इनिशिएटिव बाय इंडिया एज द G20 चेयर, ब्रिंगिंग टुगेदर द बिगेस्ट कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ बायोफ्यूल्स इन द वर्ल्ड। दैट्स इट। तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है बायोफ्यूल का मुझे बताइए? अमेरिका है और ब्राज़ील है। यस, यही दोनों हैं। कौन कौन से देश ज्वाइन कर लिए देखिए, 8 ऑफ G20 कंट्रीज हैव जॉइंड इट, 4 ऑफ G20 इनवाइटी कंट्रीज हैव जॉइंड इट, 10 नॉन G20 कंट्रीज हैव जॉइंड इट, एंड 12 इंटरनेशनल UN ऑर्गेनाइजेशंस हैव जॉइंड इट। ये देखिए, हैव अ लुक, हैव अ लुक, ग्लोबल बायोफ्यूअल अलायंस। कौन कौन से G20 देश ज्वाइन किए देख लीजिएगा एक बार, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो बायोफ्यूल्स पे पूरा फोकस, इथानॉल की बात हो रही है, बायो डीजल की बात हो रही है, एल्गी डेराइव्ड फ्यूल्स की बात हो रही है। एग्री कर रहे हैं मुझे बताइए? Generation 1, Generation 2, Generation 3 एंड Generation 4 बायोफ्यूल्स। दैट्स इट। इज इट क्लियर? लेट मी नो। तो बायोफ्यूल्स पे GBA पर आ सकता है प्रीलिम्स में क्वेश्चन इस बार, मैं बता दूं आपको। और कौन सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है बायोफ्यूल्स का, ये टॉपिक पिछले एक साल से न्यूज में चल रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। यस इज गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग न्यू कमर्स। फर्स्ट टू न्यूज आया है, तीन न्यूज है आज इंपॉर्टेंट। पहला, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑन सोलार फोटोवोल्टाइक सेल्स। सेकंड, फूड इन्फ्लेशन एंड गवर्नमेंट स्टेप्स। एंड तीसरा एक आया है टॉपिक मेडिकल डिवाइसेस के ऊपर। आइए देखा जाए इकोनॉमी में, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑन सोलार PV सेल्स। ये देखिए, सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स को लेकर भारत सरकार ने परसों, जस्ट दो तीन दिन पहले ये न्यूज़ आया दैट March 29 को एक ऑर्डर जारी किया भारत सरकार ने। इस ऑर्डर का नाम है अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सोलार फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स, ALMM लिस्ट। इसमें जो कंपनीज हैं, ये देखिए, दिस लिस्ट कंसिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, उन्हीं कंपनीज को गवर्नमेंट टेंडर्स दिए जाएंगे सोलार एनर्जी के फील्ड में। और ये वो कंपनीज हैं जो चाइना से इंपोर्ट नहीं करते हैं फोटोवोल्टाइक सेल्स। इन शॉर्ट, क्लियर कट डोमेस्टिक सेक्टर को फोकस करने की बात है इस लिस्ट के द्वारा, ALMM लिस्ट। ये वर्ड याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्लियर है? इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना एंड वियतनाम फॉर सोलार सेल्स एंड मॉड्यूल्स। चाइना एंड वियतनाम, नोट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए क्लियर। और इंडिया कितना इंपोर्ट करता है? बहुत इंपोर्ट करता है। ये देखिए 90% प्लस, उसमें 80% शेयर तो ये देखिए चाइना से ही है।
एंड चाइना कमांड्स 80% शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अक्रॉस पॉलीसिलिकॉन वेफर सेल एंड मॉड्यूल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। सोचिए, हम चाइना पे निर्भर हैं सोलार एनर्जी के लिए। सोचिए, क्या ये चिंता की बात है, मुझे बताइए। तो सरकार अब सीरियस है, कह रही है कि ऐसा अब आगे नहीं होने पाएगा। अगर इस टॉपिक से कुछ लर्निंग्स निकाले जाए, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स लिस्ट 2023 हैज कम अप। इंडिया इज इंपोर्ट डिपेंडेंट टू मीट इट्स डिमांड फॉर सोलार फोटोवोल्टाइक सेल्स एंड मॉड्यूल्स। COVID-19 एंड ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शंस ब्रॉट दिस प्रॉब्लम टू फोरफ्रंट। लेट्स सी इफ इंडिया गोज फॉर मेक इन इंडिया इन द सेक्टर। लेकिन अगर इंडिया बनाएगा ये सब कुछ, इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स बनाएंगे, तो वेस्टेज भी क्रिएट होगा। क्या वेस्टेज प्रोसेस करने के लिए भी हमारे पास एक पॉलिसी होनी चाहिए, फ्रॉम मेक इन इंडिया टू वेस्ट प्रोसेस इन इंडिया रिगार्डिंग सोलार फोटोवोल्टाइक सेल्स। इस न्यूज़ को मैं कहाँ अटैच करूँगा? ये न्यूज़ अगर आया तो मैं अटैच करूँगा मेक इन इंडिया प्रोग्राम में, आत्मनिर्भर भारत अभियान, सेल्फ रिलायंस इन एनर्जी जनरेशन। दैट्स इट। इज द सेशन गोइंग ऑन स्टूडेंट्स? वेल, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। नेक्स्ट, फूड इन्फ्लेशन, हालत खराब है। स्कॉर्चिंग समर क्लाउड्स रबी हार्वेस्ट, रबी क्रॉप्स के ऊपर असर पड़ेगा और फूड इन्फ्लेशन राइज करने के लिए वेट कर रहा है। ये देखिए, फूड इन्फ्लेशन, देखिए इन्फ्लेशन या महंगाई दो तरीके से चेक की जाती है, एक कोर इन्फ्लेशन, एक हेडलाइन इन्फ्लेशन। ये देखिए, व्हाट इज कोर एंड व्हाट इज हेडलाइन। ये देखिए, कोर इन्फ्लेशन इज महंगाई, इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई। कोर इन्फ्लेशन इज द इन्फ्लेशन इन एवरीथिंग एक्सेप्ट फूड एंड एनर्जी बिकॉज दे आर वोलाटाइल प्रोडक्ट्स। ही देखिए, अगर आप फूड और एनर्जी इंक्लूड कीजिएगा, इसे हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। ऐसे क्या होता है? कोर इन्फ्लेशन। क्लियर है? तो ये सवाल है कि सरकार, अब देखिए ये लाइव मिंट का न्यूज है स्टूडेंट्स और फाइनेंशियल एक्सप्रेस का, दैट हालत खराब है, महंगाई बढ़ सकती है फूड प्राइसेस में, और सरकार ने पिछले एक साल में बहुत सारे स्टेप्स दिए। सवाल ये आ सकता है यूपीएससी मेंस में दिस ईयर, दैट व्हाट स्टेप्स इज द गवर्नमेंट टेकिंग टू काउंटर फूड इन्फ्लेशन। यस, तो ये देखिए क्या क्या लिखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टेकन सेवरल प्रिवेंटिव मेजर्स टू टैकल फूड इन्फ्लेशन। मैं कुछ पढ़ रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए। बैन ऑन नॉन बासमती राइस, लॉन्च ऑफ भारत दाल 60 रुपीज पर केजी, स्टॉक होल्डिंग लिमिट, स्टॉक कितना होल्ड कर रहे हैं ट्रेडर्स, लिमिट ऑन तूर उड़द, सीलिंग ऑन गवर्नमेंट बाइंग ऑफ तूर उड़द मसूर रिमूव्ड। सरकार जितना भी चाहे खरीद सकती है, आप नहीं रख सकते हैं। 40% ड्यूटी ऑन ओनियन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट करोगे ओनियन कांदा तो देना पड़ेगा 40% पैसा सरकार को। 20% ड्यूटी ऑन पारबॉइल्ड राइस एक्सपोर्ट्स, पारबॉइल्ड राइस उसना चावल मीन्स दैट पारबॉइल्ड राइस जिसे कहते हैं, 20% ड्यूटी बाहर एक्सपोर्ट करने पर। शुगर एक्सपोर्ट्स कर्व्स एक्सटेंडेड बाय अ ईयर, शुगर बाहर एक्सपोर्ट करोगे पैसा सरकार को दोगे। भारत आटा लॉन्च्ड 27 रुपए पर केजी, क्या बात है। भारत राइस 29 रुपए पर केजी, क्या बात है। बैन ऑन ओनियन एक्सपोर्ट्स कंप्लीट बैन कर दिया गया। ये सारे स्टेप्स लिए गए स्टूडेंट्स, इसके बाद भी महंगाई बढ़ रही है, फूड इन्फ्लेशन। और फूड इन्फ्लेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स काउंटर करना, क्योंकि डायरेक्टली इंपैक्ट द लाइवलीहुड। डू यू एग्री? टेल मी, फूड इनसिक्योरिटी आ जाएगा। तो अब कहा जा रहा है प्राइस राइज लाइकली एज डैम्स ड्राई अप, व्हीट मस्टर्ड मे बी स्पेयर्ड। ये देखिए, केवल सरसों और गेहूं की खेती ठीक हुई है, नहीं तो बाकी सब में दाम बढ़ने वाले हैं। ये न्यूज है लाइव मिंट का। और आप बताइए, दाल के प्राइसेस क्यों इतने अप हैं, दाल क्यों हालत ख़राब है इंडिया में? क्योंकि दाल के सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर्स इंडिया में महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश एंड कर्नाटक, ये देखिए, और इसमें सबसे ज़्यादा तूर दाल, यही तीन राज्य दिस प्रोड्यूस करते हैं, दिस थ्री स्टेट्स। यू नो व्हाट, दिस थ्री स्टेट्स आर सफरिंग फ्रॉम ड्रॉट इन द लास्ट 2 ईयर्स, एंड दिस इज़ वाई पल्सेस के लिए हमें बाहर पे डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। एग्रीड? महाराष्ट्र कर्नाटक मध्य प्रदेश, नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, पॉलिसीज में स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है अभी भारत सरकार को। यह तो आया है लाइव मिंट और फाइनेंशियल एक्सप्रेस में, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में एक पर्सन एक्सप्लेन पेज पे लिखते हैं दैट फूड इन्फ्लेशन माइट सॉफ्टन इन द मंथ्स अहेड, 3 महीने बाद से। क्यों?
क्योंकि ग्लोबल प्राइसेस फूड के सॉफ्टन अप हो रहे हैं एंड एल नीनो वीकन अप कर रहा है. अच्छी न्यूज़ है, इसका मतलब साफ है रेन्स आने वाले हैं इस बार, लेकिन थोड़ा लेट आएंगे लेकिन आएंगे. तो FAO फूड प्राइस इंडेक्स, ये FAO का फूड प्राइस इंडेक्स है. देखिए स्टूडेंट्स, FAO क्या इन्फ्लेशन इंडेक्स निकालता है? यस, ये देखिए फूड प्राइस इंडेक्स, ये कौन कौन से फील्ड्स में निकलता है? सीरियल प्राइस इंडेक्स, देखिए नोट कर लीजिए, वेजिटेबल ऑयल प्राइस इंडेक्स FAO, डेयरी प्राइस इंडेक्स, मीट प्राइस इंडेक्स, शुगर प्राइस इंडेक्स. इसका मतलब साफ है ओवरऑल दाम ठीक हो रहे हैं. मैं बता दूं, फूड इन्फ्लेशन हाइट्स रीच किया था दो साल पहले इन द वर्ल्ड. यस, नाउ इट इज सॉफनिंग अप, गुड न्यूज़ फॉर इंडिया. एंड सेकंड गुड न्यूज़ दैट एल नीनो इज वीकनिंग अप, दैट्स इट, नथिंग एल्स. तो कॉन्ट्राडिक्टरी न्यूज़ है लेकिन सवाल अगर आएगा फूड इन्फ्लेशन काउंटर करने के लिए भारत सरकार क्या क्या स्टेप ले रही है, क्या ये क्लियर रहेगा मेंस के लिए, मुझे बताइए. प्रीलिम्स के लिए FAO का फूड प्राइस इंडेक्स में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं ये आ सकता है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट टॉपिक एंड यस प्रीलिम्स, कोर एंड हेडलाइन इन्फ्लेशन डिफरेंस. नेक्स्ट मेडटेक पॉलिसी 2023, ये देखिए भारत सरकार ने मेडटेक पॉलिसी लॉन्च किया 2023 में, कुछ नहीं हुआ है उसमें, बस पॉलिसी आई है. इंडिया 80% मेडिकल डिवाइसेस इंपोर्ट करता है, जो भी यूज़ करता है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, MRI अपरेटस हो, क्रोमेटोग्राफ हो, इलेक्ट्रोफोरेसिस इंस्ट्रूमेंट्स हो, आर्टिफिशियल जॉइंट्स हो एंड लेंसेज हो लगाने के लिए. आप बताइए क्या ये चिंता की बात है, क्या इंडिया को इसमें काम करना पड़ेगा? डोमेस्टिक सेक्टर शुड बी प्रमोटेड, मेडिकल टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेज इंपोर्ट्स, 80% कमिंग अप इन इंडिया फ्रॉम अब्रॉड. टॉप कंट्रीज चाइना, ऑफ कोर्स वही आएंगे कंट्रीज, चाइना, US, जापान एंड सिंगापुर. यस, ये देखिए ये तीन न्यूज़ इकोनॉमिक्स से हो गया, इंडियन इकोनॉमिक से. आइए PIB की तरफ आगे बढ़ते हैं, PIB में क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आए स्टूडेंट्स, एक सरसरी नज़र देख लेते हैं. इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF टू ऑर्गेनाइज क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम इन सिंगापुर. ये देखिए IPEF जोसेफ बाइडेन का ब्रेन चाइल्ड 2022 में लॉन्च किया गया. ये देखिए 14 पार्टनर्स, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपाइंस, सिंगापुर, थाईलैंड, US एंड वियतनाम. देख लीजिएगा ये पार्टनर्स जो IPEF में हैं, इनको मैप पे मार्क कर लीजिएगा. सवाल यही है दैट PIB के न्यूज़ हम लोग किस दिन के पढ़ रहे हैं? PIB के न्यूज़ अगर आज 10 तारीख है तो 9 अप्रैल के पढ़ रहे हैं हम लोग, और अब मीन्स प्रीवियस डे का पूरा PIB का न्यूज़ अटैच हो जाएगा इसमें, दैट्स इट. तो IPEF इज फोकसिंग अपॉन 4 मेन पिलर्स, ट्रेड कोऑपरेशन, सप्लाई चेन कोऑपरेशन, क्लीन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड फेयर इकोनॉमिक कोऑपरेशन. यू कैन सी इट, IPEF. तो इंडिया भी मेंबर है इसका स्टूडेंट्स, और क्लीन इन्वेस्टर फोरम समिट ऑर्गेनाइज किया गया. ये देखिए इट ब्रिंग्स टुगेदर द रीजन्स टॉप इन्वेस्टर्स, फिलैंथ्रोपिस्ट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनोवेटिव कंपनीज, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स. ये देखिए, इज इट क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड न्यूज, इंडियन कोस्ट गार्ड वेसल समुद्र पहरेदार मेक्स अ पोर्ट कॉल एट मुआरा ब्रुनेई. मुआरा ब्रुनेई कंट्री का, ब्रुनेई दर एस सलाम कंट्री का एक कंट्री, ये दिस कंट्री का एक सी पोर्ट है मुआरा. ये देखिए ये साउथ ईस्ट एशिया की एक कंट्री है ब्रुनेई. ये देखिए एंड इट इज़ लोकेटेड ऑन बोर्नियो आइलैंड. क्या बोर्नियो आइलैंड आप जानते हैं स्टूडेंट्स, मुझे बताइए. ब्रुनेई मुआरा नोट कर लीजिए, समुद्र पहरेदार. ये देखिए क्लियर, नोट कर लीजिएगा, मैपिंग इंपॉर्टेंट है, मुआरा कहाँ पर है. थर्ड, गवर्नमेंट एक्सटेंड्स द डेडलाइन फॉर सबमिशन ऑफ R&D प्रपोजल्स अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन. लास्ट ईयर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन वॉज लॉन्च्ड एंड एक R&D स्कीम लॉन्च किया गया, प्रोडक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन कैसे किया जाए, इससे स्केल अप करना है. और ये देखिए 400 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर में आउटले डाला जाएगा. ये देखिए 2025-26 में. तो प्रोडक्शन कैसे होगा, स्टोर कैसे होगा, कंप्रेशन कैसे होगा, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, यूटिलाइजेशन कैसे होगा, मुझे बताइए. क्या इसके लिए आपको इनोवेशंस चाहिए, टेल मी स्टूडेंट्स. क्या स्टार्टअप्स के भी, स्टार्टअप्स का भी कंट्रीब्यूशन चाहिए? यस. सो ग्रीन एनर्जी में R&D
नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, एनटीपीसी पीएसयू नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लॉन्चेस न्यू एडिशन ऑफ गर्ल एम्पावरमेंट मिशन, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। गर्ल एम्पावरमेंट मिशन, यस, अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये देखिए, इट अलाइंस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव। दैट्स इट, क्लियर है? मुझे बताइए, बस इसे सीएसआर में अटैच कर लीजिएगा। 61st नेशनल मैरिटाइम डे सेलिब्रेटेड विद फुल वैलर। ये देखिए, डायरेक्टर जनरल शिपिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज होस्ट स्पेक्टेकुलर स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटिंग नेशनल मैरिटाइम डे। ये लास्ट न्यूज है आज का, देख लीजिए। तो दिस नेशनल मैरिटाइम डे, द डे इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट एम्बार्केशन ऑफ फर्स्ट इंडियन ओन्ड वेसल एसएस लॉयल्टी ऑन हर मेडन वॉयज फ्रॉम मुंबई टू लंडन इन 1919 ऑन अप्रैल 9। ये देखिए, नेशनल मैरिटाइम डे 1919, उस समय की बात। एसएस लॉयल्टी अ सिंबल ऑफ मैरिटाइम प्रोवेस नॉट ओनली नेविगेटेड थ्रू द हाई सीज बट ऑल्सो एग्जाम्पलीफाइड द स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड फोर्टिट्यूड दैट डिफाइंस मैरिटाइम कम्युनिटी। पहला इंडियन ओन्ड वेसल, उसी तारीख पर हर साल मनाया जाता है नेशनल मैरिटाइम डे। ये देखिए, क्या ये क्लियर है? मुझे बताइए स्टूडेंट्स। तो मैरिटाइम डे के दिन, ये देखिए, दिस मैं इसमें एक और भी बहुत बड़ा न्यूज है, मैं बता दूं आपको, दैट पारादीप सी पोर्ट हैज कम अप एज द लार्जेस्ट मेजर सी पोर्ट। ये देखिए, इस साल के लिए मैं ये न्यूज़ अटैच कर दूंगा, चिंता मत कीजिए। ओके, एंड दिस वाज ऑल अबाउट स्टूडेंट्स इन टुडेज पीआईबी न्यूज़। कल से और भी पीआईबी न्यूज़ में अटैच रहेंगे कुछ वैल्यू एडिशन पॉइंट्स और हम लोग आगे बढ़ेंगे। पीआईबी में क्या पढ़ा आपने? नेशनल मैरिटाइम डे। सेकेंड आपने पढ़ा एनटीपीसी सीएसआर गर्ल एम्पावरमेंट मिशन। थर्ड आपने पढ़ा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। नेक्स्ट मुआरा ब्रुनेई, एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स IPEF आपने पढ़ा। That's it from my side for today. Namaskar, Jai Hind. Let's end the session. And yes, take down the notes on a regular basis. You are going to get notes from our site too. तो आइए Stoppers Mantra Pune के Telegram channel पर आइए और इस session का free PDF उठा कर ले जाइए। हर article के last में मैं learning from the topic put up करता हूँ, जिससे कि आपको benefit रहे extraction में notes को। इज इट क्लियर? चलिए एंड करते हैं सत्र स्टूडेंट्स आज का। और आज 218 स्लाइड्स का पीपीटी है, आपको ये एहसास हुआ? 218 स्लाइड्स, सो यू हैव गॉन थ्रू अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 200 स्लाइड्स यू हैव रेड थ्रू टुडे इन दिस सेशन। दैट्स इट। और कोई भी डाउट्स रहे एडमिशन को लेकर, आप मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9988735499888735।